हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग इन मम्मी। कैसे हैं आप लोग सब? आज है 12th जुलाई 2020, दिन संडे, और अभी बज रहे 10:33 AM और मैं आ गई एक नया वीडियो लेके आप लोग के पास। तो आज कल मैंने, आप लोगों ने मेरा सी ग्रीन वाला, ओशन ग्रीन वाला मेकअप वीडियो कल का देखा, मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके 11 जुलाई का सी ग्रीन ओशन ग्रीन कलर का मैंने आई मेकअप अपलोड किया था। तो आज मैंने सोचा कि पार्टी के लिए ब्राउन हॉट अर्दी मेकअप किया जाए, तो आज का जो थीम है वो ब्राउन हॉट अर्दी मेकअप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने मॉर्निंग स्किन केयर कर लिया, नहा के आ गई हूँ, तो मैंने बीबी क्रीम लगा लिया है। तो उसके बाद हम एक कॉम्पैक्ट लेंगे, ऑयल कंट्रोल वाला कॉम्पैक्ट लेंगे दोस्तों, और इसे हम अपने बेस को सेट कर लेंगे। मैं इसी की सहायता से, इसको जो ब्लेंडिंग ब्रश दिया जाता है, माइक पफ दिया जाता है, इसी की सहायता से मैं कर लूंगी दोस्तों, और मैं कोई वो यूज नहीं करूंगी, ब्रश इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसी से बस थोड़ा सा लेके आप लगा लीजिए। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कम या ज्यादा लगा सकते हैं। बस हल्का सा लगा लीजिए, अपने कानों में भी लगाइए आप, और अपने नेक पे भी। ये बिल्कुल ऑयल फ्री वाला है, इससे आपके चेहरे पे जो गर्मियों में उमस के वैसे जो ऑयलीनेस होता है, ये उस चीज से आपको हेल्प करेगा दोस्तों। तो ये मैंने कर लिया है, तो अब हम अपना आई मेकअप शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये मैंने अपना आई शेडो पैलेट ले लिया है दोस्तों, इसमें से हमें अर्दी, आज का जो थीम है मैंने आपको बताया वो ब्राउन अर्दी मेकअप के बारे में। तो हम एक अच्छा सा ब्लेंडिंग ब्रश ले लेंगे, एक मैंने पतला एज वाला ये फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है, और इसके में से एक लाइट ब्राउनिश कलर का, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा लगाने वाली हूँ, ये लाइट ब्राउनिश जो कॉपरिश कलर का जो एक बेस है, इसको हम लेके बेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आप कर लीजिए, और इसको आप एक मोटे ब्रश की सहायता से बाद में ब्लेंड कर लीजिएगा। आज का जो थीम है ये ब्राउन मेकअप के बारे में, इसलिए हम और कोई शेड नहीं लेंगे, पहले लाइट ब्राउन कलर से हम अपने बेस को, अपने क्रीज लाइन और ट्रांजिशन जोन को अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको तब तक आप स्मच करते रहिए जब तक ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली कॉपरिश ब्राउनिश कलर हो गया है ये। अब हमें डार्क ब्राउन कलर इसमें से लेना है कोई, मैं ये और ये वाला मिक्स करके लगाऊंगी, और इसको अपने आउटर कॉर्नर से लगाना मैं शुरू करूंगी, और इसको अंदर की तरफ मैं ले जाऊंगी। आप चाहें तो वो क्या बोलते हैं, कंसीलर लगा के भी कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा निखर के आएगा। ये देखिए दोस्तों, और अंदर की तरफ इनर कॉर्नर में उसको आप लाइट ही रखिएगा, ताकि हम जो दोनों जो जोन है, आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर को अच्छे से डिफाइन कर सके। अब इसमें से मैं ये डार्क ब्राउन वाला शेड लूंगी दोस्तों,
इसको अपने सेंटर ऑफ द आईलिड पे प्लेस करूंगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब इसी में से जो डार्क ब्राउन शेड है उसको लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। मैं आपको अपने आई शेडो वाले वीडियो में बताती हूँ कि जो भी आप ऊपर आई शेडो लगाएंगे उसको आपको अपने लोअर वाटर लाइन पे भी लगाना है। हाँ जाओ दीदा दीदा में। ये देखिए अब एक लाइट कलर का, क्योंकि हमने ब्राउनिश शेड लिया है तो ब्राउन के साथ गोल्डन शेड बहुत अच्छा लगता है, तो एक गोल्डन कलर का हम आई शेडो लेके दोस्तों अपने लोअर आईलिड्स पे लगाएंगे। अपने आईलिड्स को हम एक्सेंचुएट करेंगे और एक गोल्डन कलर लेके हम अपने इनर कॉर्नर्स में लगाएंगे ताकि हमारी आंखें जो है वो वाइडन अप लगे। ये देखिए दोस्तों और हमारा जो आई लुक है वो कंप्लीट है। बस हमें इसमें काजल, आज मैंने सोचा है कि मैं कोई लाइनर नहीं लगाऊंगी दोस्तों, तो मैं इसमें काजल लगाऊंगी। ठीक है, अब अच्छा सा कोई भी ब्लैक काजल है, मैं मेबेलिन का आई स्टूडियो काजल ले रही हूँ दोस्तों, और इसको अपनी ब्रश की सहायता से मैं लेके अपने लोअर वाटर लाइन पे लगा लूंगी। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चेहरे के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, मोटा पतला कैसा भी काजल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने काजल लाइन ड्रॉ कर लिया। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी, कि मुझे अपनी आंखों को ग्लिटरी ग्लिटरी और ब्राउनी जो अर्दी लुक मैंने क्रिएट किया है मुझे पूरा एक्सेंचुएट करके दिखाना है दोस्तों, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं लगाऊंगी। अब मैं ये थोड़ा सा अपने लुक को ग्लिटरी दिखाने के लिए कलर बार का जो मिस रिफ्लेक्टिव पाउडर है शिमर पाउडर, इसको अपने पूरे, इसमें कुशन स्पॉन्ज आता है, इसकी सहायता से मैं अपने पूरे चेहरे पे लगा लूंगी। ये देखिए दोस्तों अब अपने ब्लशर पैकेट, ब्लशर पैलेट से ब्राउन शेड लूंगी, तो ये और ये दोनों मिक्स करके मैं लगाऊंगी। ये देखिए दोस्तों जेनरसली आप लगाइए ये ब्राउन शेड, पीची ब्राउन भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो पीच लगा सकते हैं, पिंक इसमें मत लगाइएगा क्योंकि हम ब्राउन कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्राउन और पीची शेड मैंने लगा लिया मिक्स एंड मैच करके। अब मैं अपना फेवरेट हाइलाइटर लगाऊंगी मेबेलिन का, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, अपने चीक बोन्स हाइलाइटेड एरियाज, किपिड बो पे, चिन एरिया पे और अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पे लगा लीजिए। ये देखिए कितना ड्यूई ये लुक लग रहा है। लास्ट में बस हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला ये ब्राउन मेकअप है तो एक ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का कॉफी कलर का मैं लिपस्टिक ले लूंगी दोस्तों, और इसको लेके ये देखिए तो
ना खुलने नीचे पाए जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ब्राउनिश कलर का डार्क मेकअप लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है आपको। ये देखिए, तो ये अर्धी मेकअप चाहे तो आप ये दिन के समय तो अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे मेकअप जो पार्टी मेकअप अभी बता रही हूँ, तो ये डार्क रात में आप ब्राउन कलर का ड्रेस पहनते हैं, ब्राउन लहंगा, ब्राउन साड़ी, तो उसके साथ ये लुक बहुत अच्छा। बाकी आप अपने हिसाब से मैचिंग ज्वेलरी पहन सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी पहन सकते हैं, बालों का हेयर स्टाइल, मैं बालों का हेयर स्टाइल के ऊपर भी नया वीडियो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो ये क्लोजअप लुक देख लीजिए दोस्तों। ये मेरा कॉपरिश ब्राउनिश आई मेकअप है और ये लिपस्टिक मैचिंग, ये देख लीजिए दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, लव यू, सी यू, चाओ, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉपरी और दी ब्राउन मेकअप कैसा लगा।